जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज है यहाँ, आप सभी सफल हो, आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिंतोली गोवर्टी, आप सबते मेरु सादर प्रणाम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नए जोश, नई उमंग, नई हंसी खुशी के साथ। तो आज अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं लगा रही हूँ घर पे पोछा, और बहुत ज़्यादा आफत आ रही है मेरे पे पोछा लगाने में दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है पोछा मारने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। और दुनिया भर का काम भी पड़ा हुआ है घर पे, घास भी नहीं है गाय के लिए और बांझ भी नहीं है, और झाड़ सफाई करना भी रह गया है, अब बहुत ज़्यादा काम है। तो ठीक है दोस्तों, बनने रहिए आप लोग साथ में, लगते हैं काम पर। दोस्तों आज तक तो ठीक था यार, थोड़ा सा झाड़ू झूड़ू मारा, काम नहीं पड़ गया। अब ये वाली आफत बड़ी ज़्यादा हो गई है, ये पोछा लगाने वाली, इसमें तो बहुत आफत आ रही है यार। दोस्तों तो फिर घर का काम निपटा के और अब मैं जा रही हूँ बांझ के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, ये पीछे से देखो हमारा मकान कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यू आ रहा है पीछे से। तो जैसे कि मैंने बताया था, गाय के पास देने के लिए नहीं है कुछ हरा हो रहा, तो अब जा रही हूँ मैं बांझ काटने, और शायद बगल वाली सासू जी आएंगे मेरे साथ, जो वो बड़ा भारा लाती है, बथला पलाने वाली सासू जी, तो वो काट रही हैं, बोल रही है मेरे को भी दे दे, मैं काट के दे देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ जा रहे हैं हम बांझ के लिए, यानी घर के पास ही मैं है। हाँ, मेरे हाथ किधर ठंड गए रे, ठंडी हो गई मेरे हाथ बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, ए जी क्या बटो ला, तो निकलते हैं बांझ के लिए और मिलते हैं आपको सासू जी के साथ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर, बांझ के पेड़ की ओर, और ये है सासू जी। ये देखिए, आज से सासू जी के घर पे देवता नाच रहे हैं। तो मैं तो सोच रही थी सासू जी नाचती तो मजा आ जाता पर सासू जी नहीं नाच रहे, इनकी सासू जी नाच रही है। तो सासू जी नाचती तो कितना अच्छा लगता ना दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना। तो सासू जी आप बोलोगे कुछ? फिल्म देखे बोल, तो संकल्प मूवी की तारीफ कर रही थी सासू जी, बोल रहे थे अच्छी बना रखी है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो दूसरी फिल्म बनाएंगे उसमें हम सासू जी को मिलेंगे, तो सासू जी का भी एक अच्छा वाला रोल बनाएंगे उसमें। और ये बुगू भी पहुंच चुका है, ये देखो, इसके तो कोई काम धाम है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, बनने रहिए साथ में। हेलो दगड़ू, हमेशा देखते रहना। हाँ, तो तो सासू जी बोलिए हमेशा देखते रहना यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, सासू जी को भेजते हैं पेड़ पे, और फिर देखना कितना बड़ा पेड़ में फिर देखना कितने बड़े पेड़ में चढ़ती है ये। तो फिर दोस्तों सासू जी पहुँच चुकी है पेड़ पे, ये देखिए कहाँ है पेड़, वो देखो, इतनी स्पीड है इनके हाथ में, इतनी जल्दी काम कर देती है, फटाफट 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 मेरे बस की तो है नहीं भाई, इतनी जल्दी फटाफट फटाफट काम करना। यहाँ देखिए बांझ काट के फेंक रही है, कमेंट में जरूर लिखना कि सासू जी आपको कैसी लगी कहो तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सासू जी कैसी लगी आपको, मतलब इतना सारा काम करती है, बहुत सारा, बहुत पॉपुलर है भाई ये, भगवान का सबसे, मतलब 2 किलोमीटर ये जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो खोला बोलते हैं जिसमें धान कूटते हैं, उसको लेके आई है भगवान का सबसे, ये इतनी ताकत है, 2-2 कट्टे सीमेंट के लाती है भाई ये भगवान का सबसे। तो ठीक है दोस्तों, काट रही है सासू जी बांझ, और मैं लगाती हूँ फटाफट से भारा,
और मिलते हैं आपको फिर आगे। हेलो दोस्तों, तो मेरे पास बांझ हो चुका है और मैंने अपना भाड़ा भी लगा दिया है, ये देख सकते हो आप लोग। और सासू जी अभी बांझ काट ही रही है, तो उनके पास तो नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ है, दिख भी नहीं रही है, तो उनके पास नहीं हुआ है, तो वो अपने आप काटती है, अपने आप जाती है। मैं तो निकलती हूँ घर के लिए, क्योंकि मैंने अभी दुकान पर भी जाना है। बोल रही है लोग वो तेरे लिए कैसे कमेंट करेंगे कि हमने आवारा लगा दिया और घर जा रही है और सासू जी को यही छोड़ रही है। तो सासू जी का घर ही है भाई, आपका बह में मिटा देती हूँ मैं, सासू जी का घर ही है। यहाँ पे धूप लगी है, धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, तो ये है सासू जी का घर। हाँ सारे दोस्तों को पता है कि मेरे ही पास कितना सारा काम है, मैंने दुकान पे भी जाना है अभी। तो ठीक है सासू जी, आप काटो आराम से, वाह। बोले तू जाओ, मल मैं दिन भर भी काटूंगी, मल मेरी फिकर मत कर। तो ठीक है दोस्तों, मैंने रियाम साथ में मिलते हैं आपको सीधे घर पे। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए ये मेरा भाड़ा है और कसम से ये ऐसा फंसा ना यहाँ ऊपर, कैसी आफत आए दो मेरे पे, दो पेड़ों के बीच में फंसाई है, तो मेरे पे कैसी आप बताए इसको छटकाने में। ये भगवान, यहाँ देखो अखबारी भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, मैं घर पे पहुँच गई हूँ और सासू जी अभी काट ही रही हैं, और ये देख सकते हो मेरा भाड़ा। तो ठीक है अभी घर पे मिलते हैं आपको। ए भाई कितनी दिक्कत हो रही मेरे को। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं बांध लेके घर पे आ गई हूँ और मैंने बांध गाय के पास डाल दिया है। तो कल कोई भैया कमेंट्स कर रहे थे कि गाय गौ माता होती है और गाय कमज़ोर हो गई है, तो भैया मेरे को भी पता है कि गाय गौ माता होती है और मैंने गाय को कमज़ोर नहीं करना है, गाय को खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, देख सकते हो आप लोग। और इतना ज़्यादा अगर इनके पास खाने के लिए नहीं होता तो इतना ज़्यादा इन्होंने वेस्ट कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, क्योंकि मेरे पे तो कैसी भी थी होगी, लेकिन इन्होंने इतना सारा घास वेस्ट कर रखा है क्योंकि इनको इतना ज़्यादा खाने के लिए हो रखा है। तो गाय का कमज़ोर होने का मेन कारण यह है कि हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड की वजह से गाय कमज़ोर लगने लग जाती है, देख सकते हो आप लोग। अभी तक धूप आने का कोई नाम नहीं है और टाइम 10:30 होने वाला है और धूप अभी तक नहीं आई है, तो यह इतना ज़्यादा ठंड है। और ना देखिए ये लगे हैं गोलू मोलू बांझ खाने पे, तो खाने की कोई कमी नहीं है इनको, कोई होते हैं बोलते हैं भलू खाने वाले, यानी भलू खाने इंसान या जानवर ते पखाई हो कभी नहीं लगा, सब जन खाना चाहिए, जैसा मिलता है वैसे ही खाना चाहिए, उस पर खाया हुआ लगता है और जो छाँट छाँट के खाएगा तो उस पर कैसे खाया लगेगा। तो ये देखिए बांझ का था बारह है और मेरी सास वहाँ से आवाज़ लगा रही है कि तथी बोल, वो देखिए तथी बोल सच बन ये थी। तो दोस्तों फाइनली सारा काम निपटा के अब नाश्ते की तैयारी हो रही है मेरी, और रोटी तो मेरी सासू जी ने बना रखी है, मोटी मोटी रोटी बना रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ देखिए ये मैंने कल रात को बनाया था बैंगन का भरता, और अब रात की सब्जी को चला रही हूँ। और ये बनाया था मैंने झंगोरे की खीर, ये देख सकते हो आप लोग, और थोड़ा बहुत ये भी बच रखा है तो इसको खाऊंगी मैं। और झंगोरे की खीर आप लोगों को कैसे लगती है दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि झंगोरे की खीर आपको कैसी लगती है। मेरे को तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं झंगोरा कूट के लाई और झंगोरे की खीर बनाई मैंने। और ठीक है फटाफट से नाश्ता करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को दुकान पर। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं घर से और मार्केट के लिए आ गई हूँ और अभी मैं रास्ते पे बैठी हुई हूँ। जैसे कि कल भी बता रही थी, मैं थोड़ा धूप सेक रही हूँ, तो थोड़ा धूप सेक रही हूँ क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंड गए हैं, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा धूप पे बैठे। तो आज मेरी खुशी भी आ रही है मेरे साथ मार्केट, आज खुशी की भी छुट्टी है यानी संडे है, तो खुशियाँ आ रही है मार्केट। हेलो दोस्तों, जय माता रानी की, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज संडे इसलिए मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रही हूँ, आज पता नहीं धूप लग गई है कैसे लग गई है, और डबल धूप लग गई है, इसलिए डबल धूप लग गई है क्योंकि आज मम्मी ने अपने ही मुँह से कह दिया कि मार्केट आ जा।
अच्छा हो, जैसे गढ़वाल में बोलते हैं कि आज गांव को बटन लगे, बोलो तो ना, गवनी को गांव लगी। हाँ गवनी को गांव लगी, तो इसीलिए वो बोल लिया डबल धूप लगी। एक तो धूप लगी हुई है, दूसरा वो बोली यानी मम्मी ने बोला कि चल बाजार, तो मम्मी धूप लग गई। वहाँ मेरे को तो पता ही नहीं, इतनी टैलेंट है इसके अंदर ना, काफी टैलेंटेड है। तो बनेगी तो कभी कुछ, यूट्यूबर बनेगी तो ना। हाँ मैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक लाएगी, सब चलाऊंगी या बस वही चलाना, और कुछ काम था मैं नहीं। तेरे तेरे शादी होगी, तेरे सास ससुर कूटेंगे तेरे को। मैं ही कूटूंगी अपनी सास को। तो फिर ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी मार्केट। पीछे से डब्बा है, वो मेरा बैग है, वो खुशी ले जा रही है। चलो खुशी चलो। मम्मी ने मेरे को नौकर बना दिया है देखो। दोस्तों तो अभी मैं दुकान पे हूँ, और अभी दुकान से ही उधर वाली दुकान पे गई थी, लेके आई हूँ एक नारंगी और चार्जर। मेरे फ़ोन पे बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, और मेरे फ़ोन का जो चार्जर था वो टूट गया है। और यहाँ पे तो क्या हमेशा जाम लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। और रोड की हालत देखो कैसी हो रही है, यहाँ पता नहीं यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा। रोड की हालत देखो, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, क्या बोलूँ। तो ये कैसा काम करते हैं लोग, यहाँ देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। यूट्यूब पर खूब दिखना, बस ये बोल रहे हैं यूट्यूब पर खूब दिखना चंदा। तो ठीक है दोस्तों, यार आज दुनिया भर का काम है मेरे दुकान पे, दुनिया भर का। यहाँ देखो इतने सारे जूते चप्पल आ रखे हैं, इतनी सारी पेटी ये लगाने है। और अभी तक यहाँ का काम किया, यहाँ का सामान लगाया। काफ़ी ज़्यादा काम किया मैंने दुकान पे, बैठा बैठ रखे हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाला है, और अभी तक हमने आज भी खाना नहीं खाया है, और पता नहीं कब तक खाना खाएंगे। खाएंगे थोड़ी देर में, और मुझे लग गया बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि जैसे मैं दुकान पे आई, दुकान पे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो कुछ सामान वहाँ का आ रखा था इस वाली दुकान का, और कुछ इधर वाली दुकान का। तो ये देखिए यहाँ का, यहाँ के सारे जूते चप्पल सैंडल वगैरह वगैरह ये जो भी है, अभी इनको लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा बाहर है, 3-4 पेटी बाहर पे, तो इनको लगा रहे हैं अभी। और सच में यार दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है सच में, तभी ये करो तभी वो करो। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज छोटा सा ही ब्लॉग बनाते। एक तो यहाँ पे बंदरों का हमला है, बहुत ज़्यादा इतने सारे बंदर हो गए ना दोस्तों यहाँ पे, क्या बोलें। ठीक ही बोला था एक भाई ने वीडियो में, बोला था कि हिमांशु भाई ने बोला था वीडियो में कि सोचा था कि सुकून के 4 पल गांव में बिताएंगे और अपने गांव में जाएंगे, लेकिन यहाँ बंदरों ने बल इतना बवाल मचा रखा कि क्या ही बोले। तो देखिए मैडम लगी है आज काम पे, मैंने कहा तूने दुकान पे रहना तो काम कर बे वरना घर जा। तो खुशी लगी हुई है काम पे, खुशी कम कम करके ला ना। तो वहाँ देखी एक साथ कितने सारे ला रही है, तो अरे कम कम करके लियो। तो मैंने खुशी को बोला, मैंने कहा दुकान पे रहना है तो काम कर वरना घर जा। एक तो वो घर जाती है, और एक आजकल उसका भाई भी नानी के घर पे जा रखा है ना। क्या देखो बोलना चाहोगे आप कुछ, चढ़काए बोल ले, बोले कुछ बोलना कुछ बोल। हेलो दोस्तों, आपको मैं मिली थी नीचे रास्ते में, तभी मैं काम ही कर रही थी, और अब भी मैं काम ही कर रही हूँ। इससे आ जाता मैं ना करो जाती, कम से कम 2 रोटी तो दे दीजिए मेरे को। चलो ठीक है दोस्तों, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे पेट में अभी लोगों के पेट में भूखे मारे चूहे दाड़ देंगे, मेरे पेट में चूहे क्या, चूहे के बच्चे भी दाड़ने लग गए। और रात दुकान पे आने का ये हाल होता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता रानी की।